हेलो एवरीवन, आज जो हमारा लेक्चर है एंड जो ये वीडियो है, ये सारी हम इसमें कवर करेंगे वेक्टर थ्री, जो यूनिटी में एक वेक्टर क्लास है वेक्टर थ्री, एंड जिसके अलग अलग हमें जैसे पता है वेक्टर थ्री में एक्स वाई और जी एक्सेस होते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन वेक्टर की जो क्लास है यूनिटी, इसके अंदर कुछ फंक्शंस भी है, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है। लेकिन हम जो आज ये है कि बेसिक फंक्शंस जो हम गेम के अंदर एक इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम यूज़ करेंगे, जिसमें वेक्टर थ्री डॉट ट्रांसलेट, वेक्टर थ्री डॉट लुक एट, वेक्टर थ्री के एक है वेक्टर थ्री रोटेट और वेक्टर थ्री डिस्टेंस। ये चार हम जो इसके मेथड्स हैं और इनको डिस्कस करेंगे और इनको कोड भी करके देखेंगे और इनका क्या यूज़ हो सकता है गेम में, वो भी हम सारा कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट में आ जाते हैं। वेक्टर थ्री डॉट ट्रांसलेट जो है, ट्रांसलेट सब समझ ही गए होंगे कि किसी गेम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कराना। जिस तरह हम अगर किसी गेम ऑब्जेक्ट को, मैंने अगर इसको यहाँ, इसके हर गेम ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन होती है, एक्स वाई और जी, इसकी एक्सेस यहाँ को होगी, जी एक्सेस होगी। तो अगर मैंने किसी इसकी पोजीशन चेंज करनी हो, तो अगर मैंने एक्स में मूव करना, तो इसका मैं एक्स एक्सेस प्लस में वन करूँगा, इसका एक्स एक्सेस माइनस में वन करूँगा, वाई को मैं प्लस में वन कर दूंगा, जेड में नीचे जाने के लिए मैं वाई में माइनस वन कर दूंगा, आगे पीछे जाने के लिए मैं जी को प्लस वन और माइनस वन कर दूंगा। तो ये इस तरह अगर पोजीशन चेंज करनी हो तो हम कर सकते हैं। उसका पोजीशन चेंज करने का क्या तरीका है, सिंपल एक जो हमने किया हुआ पहले वो है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। हम पहले गेट करते थे किसी वेक्टर थ्री वेरिएबल के अंदर, वेक्टर थ्री वेरिएबल के अंदर किसी पी के अंदर मैंने पोजीशन गेट कर लेता था उसकी, और उसके बाद पी डॉट एक्स को मैं इक्वल्स टू पी डॉट एक्स में जितना मैंने इंक्रीमेंट करना होता था मल्टीप्लाई बाय उसे टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मैं कर देता था मल्टीप्लाई, और बाद में जो मेरी पोजीशन होती थी उसको मैं अपग्रेड कर देता था। तो ये सारा इससे पोजीशन अपग्रेड हो जाती थी। लेकिन ये हमने देखा इससे काफ़ी हमें ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, 3 लाइन ऑफ कोड हो जाता है, जबकि ट्रांसलेट में हम एक स्पेसिफिक उसे एक लाइन में लिख लेते हैं कि किधर हमने किस डायरेक्शन में जाना है, किस स्पीड से जाना है, और मल्टीप्लाई उसे टाइम डॉट डेल्टा टाइम से कर लेते हैं। उधर जाने से पहले सबसे पहले एक हम चले जाते हैं जो ये ट्रांसलेट है, इसके पैरामीटर क्या है, इसको कॉल करने का तरीका ये वेक्टर थ्री डॉट ट्रांसलेट, ठीक है। इधर हम डायरेक्शन देंगे, ये अभी डायरेक्शन को हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन कॉमा, इधर डायरेक्शन आ जाएगी, डिस्कस कॉमा मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी स्पीड होगी, और मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ये तो हमें पता है कि हमने मशीन डिपेंडेंट में जाना हो, मशीन इंडिपेंडेंस में करना हो उसको, तो फिर हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका तो ये चीज़ तो कवर हो गई, ठीक है। स्पीड जो है, स्पीड कोई भी हो सकती है, हम कोई भी फ्लोट वेरिएबल ले लें, स्पीड का कोई भी फ्लोट वेरिएबल ले लूँगा। अगर मैं 20 रखूँगा तो उसकी मूवमेंट की स्पीड 20 तेज़ हो जाएगी, अगर 40 रखूँगा तो उससे ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, 10 रखूँगा कम हो जाएगी। तो स्पीड का कोई एक फ्लोट वेरिएबल हो सकता है। अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन थ्री कोई वेक्टर थ्री फॉर्म में हो सकता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो अगर मैंने सिंपल राइट में जाना है, सिंपल राइट में जाना है, तो उसका क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस उसका 1 में होगा, वाई 0 में होगा और जेड भी 0 में होगा, अगर मैंने इधर को जाना है। अगर मैंने ऊपर को जाना होगा तो इधर मेरे क्या क्या वैल्यू होगी मेरे जो वेक्टर डायरेक्शन की, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर थ्री का वेरिएबल होगा, 0,1,0, ठीक है। अगर मैंने जेड एक्सिस में आगे को जाना है, वो जेड एक्सिस में मैं अगर आगे को जाना होगा तो मेरी वैल्यू क्या होगी, 0,0,1, ठीक है, अगर मैंने आगे को जाना है। अच्छा, जब ये अब हम इसको मिटा के हम करते हैं कि हमने एक्स में जाना है, एक्स एक्सिस में इंक्रीमेंट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड से, स्पीड की वैल्यू जो भी होगी 20 जो भी, इसके साथ मल्टीप्लाई होके वो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट आगे को जाएगा। तो ये ज़्यादा हम डिटेल में चले गए थे, लेकिन अगर इसका जो ये जो वैल्यूज़ है, ये यूनिटी ने पहली बनाई हुई है। एक है वेक्टर थ्री डॉट लेफ्ट, ठीक है, इसी तरह वेक्टर थ्री के तीन फंक्शंस है, वेक्टर थ्री डॉट, एक है लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, ये वेक्टर थ्री के
फंक्शंस हैं, ये वेक्टर थ्री की जो वैल्यूज़ है ना, जो हम लिख रहे थे इन वेक्टर थ्री डॉट लेफ्ट के अंदर, ये वाली वैल्यूज होगी माइनस वन जीरो जीरो, राइट में क्या होगा वन जीरो जीरो, अप में क्या होगा जीरो जीरो वन, सॉरी जीरो वन जीरो, डाउन में क्या होगा एक्स एक्स वाई एक्सेस माइनस में होगा जीरो माइनस वन जीरो। इसी तरह दो और दी होती है उसने, अगर मैंने आगे फॉरवर्ड को जाना है, इसको उठा देते हैं, फॉरवर्ड जीरो कॉमा जीरो वन जेड एक्सिस में जाना है, और बैकवर्ड बैक जीरो कॉमा जीरो माइनस वन। तो हम डायरेक्शन, जो हमारी डायरेक्शन की वैल्यू होगी, हम सिंपली ये वाला वेक्टर थ्री डॉट लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में मूव करना है, अगर राइट में मूव करना है तो वेक्टर थ्री डॉट राइट कर सकते हैं। ये यूनिटी ने पहली बनाए हुए फंक्शंस, आप अपने भी फंक्शन, आप अपनी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, कि नया वेक्टर न्यू वेक्टर थ्री बना के, न्यू वेक्टर थ्री बना के अपनी भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ जेड एक्स में 20 का इंक्रीमेंट हो, वाई में 30 का और जेड में 20 का, तो आपके पास अपनी भी ऑप्शन होती है। लेकिन वेक्टर थ्री के कुछ फंक्शंस हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन फॉरवर्ड बैक, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ट्रांसलेट में सिंपल क्या होगा, वेक्टर थ्री डॉट ट्रांसलेट, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है, फ्लोट को स्पीड की वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी एग्जाम्पल हम करके यहाँ देख लेते हैं। यहाँ मैं क्रिएट एक कर देता हूँ क्यूब, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक टेस्ट का स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, वो हम लगाते हैं, ठीक है। जहाँ हम टेस्ट में जाते हैं, अच्छा मैंने इस क्यूब को राइट लेफ्ट कहीं मूव करना है, तो हम इसमें सिंपल वेक्टर थ्री लगाएंगे। अच्छा वेक्टर थ्री हमारा अपडेट के अंदर होना चाहिए, स्टार्ट के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट तो एक दफा चलना है वो खत्म हो जाना है। तो मैं सिंपल ट्रांसलेट यूज करता हूँ, वेक्टर थ्री डॉट सॉरी ट्रांसफॉर्म डॉट जो उसकी पोजीशन डॉट ट्रांसलेट, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म जो उसकी पोजीशन है वेक्टर थ्री की प्रॉपर्टी है। तो ट्रांस जिस गेम ऑब्जेक्ट को हमने मूव करना है वो ये दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट, उसका पोजीशन ट्रांसफॉर्म जो वेक्टर थ्री की प्रॉपर्टीज है डॉट ट्रांसलेट। अब हमारे पास ऑप्शन आनी है, सबसे पहले हमारा क्या, ये हमने लिख लिया फंक्शन, सबसे पहले डायरेक्शन। अब मैं इसको राइट मूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल वेक्टर थ्री डॉट राइट, ठीक है। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा स्पीड के साथ, स्पीड मेरा कोई फ्लोट वेरिएबल हो सकता है, तो मैं यहाँ एक फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल मैं स्पीड ले लेता हूँ, जिसको मैं 20 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, हमारी ये प्रॉपर्टी स्पीड की भी हो गई। अब मैं इसको टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, तो ये मेरा मूव राइट को करने लग जाएगा जैसे ही मैं अपना प्ले करूंगा। शायद मेरा ये कैमरे के वो भी लगा हुआ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने क्यूब के ऊपर स्क्रिप्ट लगा दिया टेस्ट का, अब तो मेरा खाली क्यूब मूव करेगा, ठीक है, मेरा मूव मेरा क्यूब मूव राइट को करने लग गया, ठीक है। अगर मैंने इसी को अप कराना हो तो वेक्टर थ्री डॉट अप, सिंपल आपने जिधर जिस डायरेक्शन में कराना है आप उधर वाली डायरेक्शन लिखे, उसको मल्टीप्लाई स्पीड से करते और टाइम डॉट डेल्टा टाइम से। तो अगर मैं चाहता हूँ ये वाला थोड़ा स्लो स्पीड से मूव करे, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, अब ये पहले से स्लो मूव करेगा, अब ये अप को जा रहा है। तो अगर मैं चाहूँ दोनों जगह मूव कराना चाहता हूँ, अप भी और राइट भी, तो मैं ये कोड को सेम कॉपी पेस्ट करके इसको यहाँ राइट भी लिख सकता हूँ, तो अब ये अप भी करेगा, अप भी जाएगा और राइट भी जाएगा इसी स्पीड के साथ। प्ले करके देखते हैं, ठीक है, वो क्रॉस डायगनल गया। अच्छा इसका एक तो ये हमें पता चल गया कि हम अपनी पसंद की यहाँ डायरेक्शन दे सकते हैं, अप राइट लेफ्ट डाउन जो भी यूनिटी ने हमें प्रोवाइड की हुई है। इसको और आप चाहो अपना अपनी तरीके से अपना भी वेक्टर थ्री दे सकते हो। मैं चाहूँ तो न्यू वेक्टर थ्री, मैं चाहता हूँ राइट में ये 5 का इंक्रीमेंट करे, इधर ये 2 का इंक्रीमेंट करे और जेड में कहीं ना जाए। तो हम प्ले करके देखते हैं इसको क्या कुछ होता है इसमें, ठीक है। वो मैंने काफ़ी तेज़ स्पीड दे दी, मैं इसको अगर 1-1 स्पीड दे दूँ तो ये दोनों जगह तब भी मूव करेगा, क्योंकि एक्स में भी मल्टीप्लाई 10 होगा, वाई में भी मल्टीप्लाई 10 होगा,
अगर मैंने अपना अपने फंक्शन से अपने वेक्टर थ्री की वैल्यू से देना चाहता हूँ, तो ये उस तरह भी जा रहा है। तो ये एक तरह का सिंपल एक्स का वेक्टर थ्री का फंक्शन है ट्रांसलेट। इससे हम बहुत आसानी से मूव कर लेते हैं। एक तो हमें 3 लाइनों का कोड ही लिखना पड़ता है कि पहले हम पोजीशन लेके आए, उसका एक्स एक्सिस में इंक्रीमेंट करें, मल्टीप्लाई बाय टाइम डेल्टा डॉट टाइम से करें, फिर उसकी पोजीशन को अपडेट करते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, उस गेम ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म गेट करते हैं डॉट ट्रांसलेट, और जिधर को हमने जिस डायरेक्शन में हमने उसको करना होता है उसको मल्टीप्लाई बाय स्पीड, जो मेरी स्पीड का वेरिएबल हो, या मैं स्पीड का वेरिएबल ले लूँ या कोई भी वैल्यू ले लूँ, और उसको मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा ये तो था हमारा ट्रांसलेट का, हमने ये वाला कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके बाद रोटेट का। रोटेट का भी सिंपल फंक्शन है, रोटेट जैसे इसका वेक्टर थ्री की प्रॉपर्टी है डॉट रोटेट। रोटेट के अंदर आपने डायरेक्शन देनी है और उसका टाइम दे देना है, वही डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय जो उसका टाइम होगा। ठीक है, सिंपल वही पैरामीटर्स है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो हमने क्या, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ इसी गेम ऑब्जेक्ट को, इसी गेम ऑब्जेक्ट को गेट करूंगा, उसका ट्रांसफॉर्म को गेट करूंगा, और रोटेट वाला फंक्शन मैं कॉल कर दूंगा। अगर मैंने राइट साइड में उसको रोटेट कराना है तो वो राइट साइड में रोटेट करेगा। आगे मैं स्पीड दूंगा, मैंने अभी बाय डिफॉल्ट इसकी 20 स्पीड दे दी है। मैं चाहूँ ये स्पीड का वेरिएबल भी दे सकता हूँ जिसकी जो वैल्यू आ जाए। तो अगर मैंने इस स्पीड की वैल्यू में 10 है और मैं यहाँ स्पीड का वेरिएबल दे दूँ जिसके अंदर वैल्यू 10 और उसको टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हम प्ले करके देखते हैं इसे। तो ये अपने राइट एक्सिस में वो रिमूव रोटेट करेगा, मतलब इसका एक्स एक्सिस होगा। तो देखिए ये हमारे पास एक तो क्यूब हो भी रहा रोटेट, और हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू इंक्रीमेंट भी कर रही है। तो ये क्योंकि राइट में रोटेट हो रहा था, मैं चाहूँ इसे अप कर दूंगा तो ये वाई एक्सिस इसका रोटेट करने लग जाएगा। सिंपल है ट्रांसलेट की तरह, बस आपने अपनी डायरेक्शन देनी है, स्पीड देनी है, और उसको टाइम डॉट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ये इसका वाई एक्सिस रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा क्यूब में फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको जी में करके देखता हूँ, देखो हम कर देते से फॉरवर्ड, तो हमारे पास ऑप्शन है, हमने जिस मर्जी साइड में रोटेट कराना हो तो हम वेक्टर थ्री की जो मैथ्स है उसके रोटेट उसके ज़रिए हम इसको रोटेट करा सकते हैं। अब ये जेड एक्सिस की तरफ रोटेट हो रहा है ज़रा थोड़ा, और हम इसकी थोड़ी स्पीड अब तेज़ करके देखते हैं। स्पीड अगर मैं इनके 100 कर देता हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी तेज़ चलेगा। ठीक है, ये रोटेट करता जाएगा उसी डायरेक्शन में। अच्छा, हमने इसमें अभी जो कवर किया, एक तो हमने ट्रांसलेट कवर कर लिया है और रोटेट, ये दोनों सिंपल एक सिमिलर ही फंक्शन है। ट्रांसलेट क्या करता है, एक पोजीशन चेंज करता है, रोटेशन रोटेट रोटेशन रोटेट है जो रोटेशन को चेंज करता है किसी भी गेम ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म की। दोनों में एक कॉमन पैरामीटर है, कोई एक हम डायरेक्शन देंगे इसमें, कोई भी वेक्टर थ्री फॉर्म में डायरेक्शन देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी स्पीड होगी, और टाइम डॉट डेल्टा टाइम से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सेम रोटेशन में भी और सेम ट्रांसलेशन में फ़र्क है दो फंक्शन में, ये कि हम ट्रांसलेट पोजीशन चेंज करता है और रोटेशन रोटेट करता है। अब हम आते हैं वेक्टर थ्री डॉट डिस्टेंस के जो फंक्शन है इसका, वो क्या करता है। अब जैसे गेम ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले अगर हम कोई दो गेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मैं जानना चाहता हूँ ये जो मेरा गेम ऑब्जेक्ट है, ये मेरा प्लेयर है, ये इस ऑब्स्टेकल से के बीच कितना फ़र्क है, कितना डिस्टेंस है इनके बीच, एक वैल्यू चाहता हूँ। जैसे अगर इन दोनों के बीच 50 का एक वैल्यू आएगी कि इन दोनों के बीच 50 का डिस्टेंस है, 50 का डिस्टेंस इन द फॉर्म रेडियस में होगा। अगर हो सकता है ये रेडियस के फॉर्म में, अगर मैं इसको ये डिस्टेंस इस तरह मैयर होता है कि इसके बीच 50 का रेडियस है, अगर ये गेम ऑब्जेक्ट इधर भी जाता है तो ये इसका वैल्यू 50 रहेगी, 50 अराउंड रहेगी। लेकिन जब वो इधर आ जाएगा तो अब उसका डिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20 हो जाएगी। ठीक है, जब वो और डिस्टेंस थोड़ा अपने करीब जाने लग जाएगा तो 5 हो जाएगी। ठीक है, बोथ साइड से अगर ये 5 यहाँ भी है तब भी 5 इसका। अगर हम अब अगर वापस आते हैं अपने उसी डिस्टेंस में, ये 50 डिस्टेंस है दोनों के बीच, तो अगर ये गेम ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो तब भी 50 रहेगा, यहाँ भी हो तब भी 50 रहेगा, इसमें कोई माइनस की वैल्यू नहीं आती। ठीक है,
और हमें कब पता चलेगा कि ये दोनों गेम ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे हैं? जब उनकी डिस्टेंस की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये गेम ऑब्जेक्ट दोनों के बीच डिस्टेंस 0 है, तो ये दोनों एक ही पोजीशन में है। तो सिंपल इसका फंक्शन है वेक्टर डिस्टेंस का। वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस हम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट 1 की हमने पोजीशन देनी है और ऑब्जेक्ट 2 की हमने इन दोनों की पोजीशन देनी है, और जो ये रिटर्न करेगा फंक्शन वो हमें एक फ्लोट वैल्यू में रिटर्न करेगा। फ्लोट वैल्यू होगी जो भी इस फंक्शन की होगी, ये सारा फंक्शन रिटर्न फ्लोट में करेगा हमें, और ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 पोजीशन होगी गेम ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, अब हम इसको फंक्शन को चला के देखते हैं। एक मेरा ये क्यूब है, एक मैं गेम ऑब्जेक्ट और ले लेता हूँ इधर, एक मैंने स्फीयर ले लिया। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे इसके ऊपर टेस्ट का स्क्रिप्ट है, मैं ये चेक करे क्यूब और स्फीयर में कितना डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसका मतलब, ये तो टेस्ट का स्क्रिप्ट तो मेरा इस क्यूब के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब मुझे स्फीयर को गेट करना पड़ेगा। तो स्फीयर को गेट करने के लिए मैं एक गेम ऑब्जेक्ट पब्लिक ले लेता हूँ और उसका रेफरेंस पास कर देता हूँ इसके अंदर, स्फीयर के नाम से ले लेता हूँ चाहे। ठीक है, और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये गेम ऑब्जेक्ट है, ताकि मैं इस गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले सकूँ, क्योंकि वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस जो है वो दो ऑब्जेक्ट मांगता है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 इन दोनों की पोजीशन मांगता है। तो मैं क्यूब में जाता हूँ, अपना स्फीयर यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस इधर आता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ लगाता हूँ वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस। एक तो मेरा जो क्यूब है उसके ऊपर उसकी पोजीशन गेट करनी है, वो तो मेरा ये गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि मेरे इसके इसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर स्क्रिप्ट लगा हुआ है। अब मैंने दूसरा गेम ऑब्जेक्ट, मेरा स्फीयर है जो मैंने गेट कर लिया रेफरेंस से, तो स्फीयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ठीक है, अब मैं इसको फ्लोट किस, क्योंकि रिटर्न करेगा फ्लोट में, तो इसको मैं फ्लोट डी में सेव करा देता हूँ, और अब मैं इसे प्रिंट करा के देखता हूँ डी में। ठीक है, अच्छा हम प्ले करके देखते हैं। हम कंसोल को यहाँ खोल लेते हैं थोड़ा साइड में। अच्छा अब ये देख रहे हो कि इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। डिस्टेंस अभी इन दोनों के बीच 3.9 को चार है। अगर मैं इस क्यूब को थोड़ा करीब लेके जाऊंगा, आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू अब 2.6 आ रही है, दूर लेके जाऊंगा 5.9 आ रही है, 7.2, इनके बीच दोनों के बीच इतना डिस्टेंस है। जितना मैं करीब आता जाऊंगा उतनी डिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, जब मैं इतना करीब आ गया हूँ 2 है, और जब मैं बिल्कुल करीब आ जाऊंगा तो मेरी वैल्यू इसकी 0 में अराउंड 0 आने लग जाएगी। तो इसका मतलब जब मेरी कोई वैल्यू 0 के -1 और 1 के अराउंड आ जाए या तो मेरा गेम ऑब्जेक्ट एक ही दोनों जगह पे खड़े है, 0 जब उसकी वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब दोनों के बीच डिस्टेंस कोई भी नहीं है। या तो ये आप यूज, जब अगर मैंने खुद इसको डिस्ट्रॉय करना हो या कुछ भी करना हो तो मैं यहाँ से डिस्टेंस चेक कर सकता हूँ। अगर डी की वैल्यू लेस देन 5 है तो प्रिंट करा लें बस क्लोज। ठीक है ना, वेरी क्लोज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये मैसेज तब प्रिंट होगा जब जो डिस्टेंस की वैल्यू है 5 से लेस देन आएगी, उसके बाद ये प्रिंट नहीं होगा। जब लेस देन 5 होगी तब ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, एक तरह का वार्निंग एक तरह की देने लग गया कि आप क्लोज है। तो मैं अगर मैं पहले थोड़ा दूर चला जाता हूँ, अब मैं क्लियर करता हूँ, अब मैं करीब आ रहा हूँ, नहीं आता जा रहा, नहीं आता जा रहा मैसेज। जैसे ही मैं इसके डिस्टेंस यहाँ, इसका मतलब 5 से लेस हो गया, जैसे ही 5 से लेस हो गया तो मेरा वेरी क्लोज वाला मैसेज चलने लग गया। तो ये हम ये डिस्टेंस का क्या कहते हैं कोड है, सिंपल कोड है, वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस लिखना है। इसमें पहले गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन देनी है और दूसरे गेम ऑब्जेक्ट जिनके दौरान आप दोनों के बीच आप पोजीशन ले रहे हो, उन दोनों की पोजीशन को इस पैरामीटर पे देना है, पैरामीटर के अंदर देना है, और जो भी जो वैल्यू होगी वो फ्लोट में आएगी, आप इसी फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मेरे गेम ऑब्जेक्ट में एक मेरा गेम ऑब्जेक्ट जो था वो क्यूब था और एक स्फीयर था। क्यूब में मेरा स्क्रिप्ट पहले लगा हुआ था, तो उसमें मैंने क्या किया हुआ था, दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, उसकी डायरेक्ट पोजीशन गेट कर ली। स्फीयर जबकि मेरे पास था नहीं, तो मैंने ये स्फीयर का रेफरेंस ले लिया था इसके स्क्रिप्ट में, क्यूब के जो मैंने बनाया हुआ टेस्ट स्क्रिप्ट, और इसके रेफरेंस के अंदर
डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन उसकी गेट कर ली और मेरे पास डी में उसकी वैल्यू आ गई। तो हम गेम में काफ़ी इसका इस्तेमाल हो सकता है वेक्टर थ्री डॉट डिस्टेंस का। जैसे ये हो सकता है, जैसे हमारा प्लेयर है, कभी आपने देखा हो कोई कोई स्पेशल बड़ा सा कोई एनिमी आता है, ये कोई स्पेशल बड़ा सा एनिमी है, ठीक है। तो अगर ये हमारा प्लेयर है, एक जैसे ही हमारा अगर प्लेयर करीब आता है तो वो एनिमी अपनी कोई स्पेशल पावर यूज़ करने लग जाए स्ट्राइक डाउन करने के लिए। तो वो किस तरह पता चलेगा कि जैसी इसके बीच, जैसी हमें पता चले कोई भी इन दोनों के बीच डिस्टेंस की वैल्यू लेस देन हो गई है तो ये अपना कोई स्पेशल पावर एक्टिवेट करते हैं, तो वो हम वेक्टर थ्री डॉट डिस्टेंस से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम टॉपिक जो कर रहे हैं, ये हमने कवर कर लिया वेक्टर थ्री डॉट डिस्टेंस, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वेक्टर थ्री डॉट लुक एट। लुक एट क्या होता है, जहाँ भी उसने देखना हो, जहाँ वेक्टर थ्री का सेम वेक्टर थ्री की तरह ही है लुक एट भी। जैसे अगर मेरा गेम ऑब्जेक्ट एक ये है और मेरा एक गेम ऑब्जेक्ट समझे कोई ये एरो है, तो जहाँ भी ये गेम ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो ना, तो मैं चाहता हूँ ये एरो है ना, ये एरो अपनी रोटेशन है ना उधर को कर ले। ये पेंट है, इसमें मैं रोटेशन कर नहीं सकता, लेकिन मैं बता देता हूँ ये एरो अपनी रोटेशन इधर कर ले। इन केस अगर ये गेम ऑब्जेक्ट इधर आ जाए तो ये अपना गेम ऑब्जेक्ट इसके इसके डिपेंड होके, इसकी जिधर भी जाए उसकी पोजीशन में डिपेंड होके अपने आप को रोटेट कर ले। तो इसका सिंपल फंक्शन है वेक्टर थ्री डॉट रोटेट, वो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। वेक्टर थ्री डॉट लुक एट, वेक्टर थ्री डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट लुक एट, ये सिंपल फंक्शन है जिस गेम ऑब्जेक्ट को देखना उसका उस गेम ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म गेट करना है। दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट, लुक एट के अंदर जो टारगेट जिसको हमने देखना होगा। तो हमारे अभी इस सेंस में आते हैं, अभी इस गेम ऑब्जेक्ट में आते हैं, समझ। ये जैसे हमारा गेम ऑब्जेक्ट है एक क्यूब, ये क्यूब है, इसको मैं थोड़ा स्केल कर लेता हूँ, और ये हमारा समझा एक तरह का गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये मैं चाहता हूँ ये गेम ऑब्जेक्ट है ना अपनी रोटेशन करे जिधर ये, जिधर कोई क्यूब होगा, जिधर ये कोई स्फीयर होगा, तो ये अपने आप को ऑटोमेटिक रोटेट कर ले। तो इसका मतलब इस गेम ऑब्जेक्ट का मुझे इस गेम ऑब्जेक्ट को रोटेट करना होगा, लुक इसको लुक एट इस्तेमाल करना होगा। तो इसका इस गेम ऑब्जेक्ट ने देखना है, तो सबसे पहले मैं अपना गेम ऑब्जेक्ट कैट कर लेता हूँ। ये गेम क्यूब, इसके ऊपर पहली स्क्रिप्ट लगा हुआ है टेस्ट स्क्रिप्ट, स्फीयर इसके अंदर पहली ये वाला पास हुआ है, स्फीयर स्क्रिप्ट के अंदर पहली पास हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे किस गेम ऑब्जेक्ट ने देखना है, दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट ने डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट। इसने कहाँ देखना है, किस गेम ऑब्जेक्ट को देखना है, स्फीयर वाले को जिसको मैंने पहली पास किया हुआ था। तो मैं यहाँ स्फीयर ले लूंगा सिंपल और ट्रांसफॉर्म, ठीक है, उसके ट्रांसफॉर्म को उसने चेक करना है। तो अगर मैं प्ले करके देखता हूँ तो आप देखेगा ऑटोमेटिक ही जो क्यूब है उसको देखने लग जाएगा। जिसकी मेरे ख्याल से रोटेशन मैंने डिफरेंट साइड में रखी हुई है, इसको मैं माइनस में कर दूंगा, तो ये उस तरफ देखने लग जाएगा, क्योंकि ये इसकी रोटेशन, इस गेम ऑब्जेक्ट की ना रोटेशन दूसरी तरफ है, जिसकी वजह से वो वहाँ देख रहे हैं। वरना इसके मगर स्केलिंग, अगर इसका मैं स्केल वगैरह सब के काम कर दूँगा, रोटेशन सही कर दूँ ना, ये एरर भी आ रहा है। तो ये जहाँ देखेगा उसको वहाँ को जाएगा, क्योंकि लेकिन अभी इसका ये क्यूब है, ये क्यूब अपने एक तरह का गेम ऑब्जेक्ट है, इसकी ये अपने आप को स्क्वायर में देख रहा है। लेकिन अगर इसमें कोई भी कोई हम गेम ऑब्जेक्ट अगर लेंगे ना, तो वो उसको ऑटोमेटिक उसके वहाँ चेक करने लग जाएगा। तो इसकी जो इसका फंक्शन है ना, उसमें आप कह सकते हैं दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म, जिस गेम ऑब्जेक्ट को उसने रोटेट कराना है, डॉट लुक एट, और जो आपने फंक्शन को चेक करना हो, जिस गेम ऑब्जेक्ट को आपने देखना है,
जिसकी तरफ देखना है तो उसका डायरेक्ट आप फंक्शन लिख सकते हैं। इस केस में अभी क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसलिए वहाँ को रोटेट, वहाँ को उसके ऑपोजिट में देखने, लेकिन अगर 2D ऑब्जेक्ट्स हो गए तो ये ऑटोमेटिक वहाँ को अपना देखने लग जाएगी। तो ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट के अंदर आपने जिस गेम ऑब्जेक्ट को जिस गेम ऑब्जेक्ट को लुक एट करना है उसका ट्रांसफॉर्म आपने सिर्फ यहाँ गेट कर देना है। तो ये हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारे वेक्टर 3 के जो बेसिक चार फंक्शंस थे वो था ट्रांसलेट, ट्रांसलेट से हम कहीं भी पोजीशन को मूव कर सकते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई बाय स्पीड और डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई करके। रोटेशन का भी सिंपल है, रोटेशन में ये होगा कि ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट में ये होगा कि रोटेशन रोटेट होगी। लुक एट, लुक एट का मतलब वो जिधर भी दूसरा गेम ऑब्जेक्ट जिधर भी होगा उसकी तरफ वो देखने लग जाएगा। इसका पैरामीटर दूसरे का गेम ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म लेता है, दूसरे गेम ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म चाहिए होता है उसे। और डिस्टेंस हमने चेक कर लिया था कि दोनों दो वेक्टर दो गेम ऑब्जेक्ट्स के बीच अगर हमें डिस्टेंस गेट करना हो तो वो कैसे गेट करते हैं, इसके उसके अंदर दोनों गेम ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन हमें देनी है तो उसका ऑटोमेटिक डिस्टेंस आ जाएगा। और ये हमें जो रिटर्न करता है वेक्टर 3 के फ्लोर में रिटर्न करता है। और हमें जैसी क्यूब करीब आने लगता है, कोई भी दो गेम ऑब्जेक्ट करीब आने लगते हैं तो उनकी वैल्यू कम होती है। और जब दोनों एक ही जगह होते हैं तो इसका मतलब दोनों जब एक जगह पहुंच जाए तो उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो 0 होता है। तो ये चार फंक्शन से इसका काफ़ी यूज़ हो सकता है गेम डेवलपमेंट में डिफरेंट सिनेरियो में। तो हम या आपकी लॉजिक में डिपेंड है कि आप किस तरह यूज़ करना चाहते हैं इस फंक्शन को।